हेलो फ्रेंड्स, साइसिस्टी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दिनी शुरू हो जाती है। मैं इन शेप्स को प्रयोग करके अपनी ड्राइंग बना सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे क्लिक करना है, जैसे मैं 5-point स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ आके माउस को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करता हूँ और जितना बड़ा या छोटा ये इमेज बनाना है वहाँ ला के मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसके आसपास आ गए हैं, जिनसे मैं दोबारा इनको रिसाइज कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, माउस को कोने पर रखें, दो मुंह वाला माउस हो जाएगा। अंदर या बाहर की तरफ खींचे तो ये जो पिक्चर है, ये जो शेप है, ये रिसाइज हो जाएगी। मैं चाहूँ तो इसमें कलर भी फिल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स को करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दो सेटिंग्स दी गई हैं, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन का अर्थ यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन से है। यदि आउटलाइन पे क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नो आउटलाइन का अर्थ है कि आउटलाइन नहीं दिखाया जाएगा। सॉलिड कलर का अर्थ है कि आउटलाइन में कलर फिल करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा ब्रशेस वाले इफेक्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि वाटर कलर इफेक्ट है या और ऑयल इफेक्ट है। इसी तरह से फिल में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नीचे फिल का अर्थ अंदर भरे हुए कलर से है, जैसे सॉलिड कलर भरने से। सॉलिड कलर को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही माउस को यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ किसी भी कलर पे, तो वो कलर अंदर की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। उस कलर के साथ आपका इमेज फिल हो जाता है। मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास अंदर की तरफ ये कलर सिलेक्ट हो गया है। फिल में जाकर यदि मैं नो फिल कर दूँ तो वो कलर फिर से हट जाएगा। इसके अतिरिक्त अंदर वही ब्रश इफेक्ट्स भी आप ले सकते हैं, जो ब्रश इफेक्ट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। इस प्रकार आप अपनी इमेज में कलर भी भर सकते हैं। आप आउटलाइन के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से साइज पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे साइज अवेलेबल है, जो आप साइज चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। उससे आगे कलर्स का जो ग्रुप है उसमें कलर्स की जानकारी दी गई है, कलर वन, कलर टू। कलर वन मुख्यतः ये जो शेप्स हैं इनकी बॉर्डर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और कलर टू जो है वो अंदर फिल हुआ कलर होता है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। जब तक आपकी इमेज आपके पास इस बॉर्डर एरिया में सिलेक्टेड है, तब तक आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर टू सिलेक्ट करने पे देखिए यहाँ अंदर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फाइनली जब आपकी ये जो कलर सेक्शन है, जब आप फाइनल कर लेते हैं, तो बाहर क्लिक करने पे ये कलर्स फाइनल हो जाते हैं। अभी मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा, अभी मेरे पास यहाँ पे एडिट कलर के नाम से एक ऑप्शन और अवेलेबल है। मैं एडिट कलर को सिलेक्ट करता हूँ, एक बॉक्स अलग से खुल गया है एडिट कलर्स के रूप में। बेसिक कलर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ कलर्स यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो क्लिक करके ऐड टू कस्टम कलर में कर दीजिए, जो कलर आपका सिलेक्टेड है उसकी जगह पे आपके पास ये कलर आ जाएगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कोई अपनी मर्जी का कलर बनाना, तो इस पैनल पे माउस को मूव करना शुरू कीजिए। नीचे यहाँ देखिए कलर सॉलिड पे, जो कलर आप बनाना चाहते हैं वहाँ उस कलर पे जाके माउस को छोड़ दीजिए। अगर आप कलर को हल्का या गाढ़ा, यानी कि डार्क या लाइट करना चाहते हैं, तो ये छोटा सा स्लाइडर दिया हुआ है, इसको ऊपर या नीचे की तरफ मूव करें। पेंट आपको ना केवल कलर दिखा रहा है, बल्कि उसकी कलर कोडिंग भी जनरेट करके बता रहा है। जैसे RGB में इसकी वैल्यू रेड में 231, ग्रीन में 53 और ब्लू में 22 है। कलर फाइनल होने के बाद मैं इसको ऐड टू कस्टम कलर में कर सकता हूँ, और फाइनली ओके करते ही मेरे पास वो कलर अवेलेबल हो जाएगा। पेंट ने स्वयं ही वो कलर जो सिलेक्टेड है वो इसमें फिल कर दिया है इमेज में। इस प्रकार से मैं इन कलर्स का प्रयोग कर सकता हूँ। अब हम इमेज ग्रुप के अंतर्गत ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज दी गई है ड्राइंग एरिया में। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास सिलेक्ट टूल अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ और एक हल्का सा बॉर्डर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा सिलेक्शन के दौरान, जैसे ही इसे मैं छोड़ता हूँ, तो देखिए मेरे पास पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस टूल का प्रयोग करके मैं इस सिलेक्ट टूल से मैं काफ़ी सारे कार्य यहाँ कर सकता हूँ, जैसे कि इस पिक्चर को ऊपर या नीचे मूव करना। जब तक ये इस बॉक्स में है, इसे आसानी से मूव किया जा सकता है। इसके अलावा इसे छोटा या बड़ा करने के लिए मैं माउस को यहाँ कॉर्नर पर रखूँगा, और यदि मैं इसे नीचे की तरफ करूँगा तो पिक्चर छोटी हो जाएगी, और जब पिक्चर बड़ी करूँगा तो पिक्चर बड़ी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप पिक्चर छोटी करते हैं तो फ़र्क कम पड़ता है, परंतु यदि आप किसी ओरिजिनल साइज़ की पिक्चर को बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट अर्थात ख़राब हो जाएंगे, जिससे फ़ोटो फटी फटी नज़र आएगी। इसलिए सिलेक्शन के दौरान ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप फ़ोटो कितना बड़ा करना चाहते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए आप बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्शन हट जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया
और क्रॉप पे क्लिक करूं तो देखिए केवल मेरे पास उस एरिया सिलेक्टेड इमेज ही अवेलेबल हो जाएगी, बाकी सारा इमेज डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड का प्रयोग करके वापस अंडू कर सकता हूं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास रिसाइज से रिलेटेड है। रिसाइज पे क्लिक करते ही आपके पास रिसाइज एंड स्क्यू का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ सबसे पहले रिसाइज का ऑप्शन है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्क्यू का ऑप्शन है। रिसाइज और स्क्यू का बॉक्स दो भागों में बटा हुआ है। रिसाइज ऊपर वाला सेक्शन है और स्क्यू नीचे वाला सेक्शन है। यदि मैं रिसाइज ऑप्शन पर जाकर मैं यहाँ रिसाइज सेक्शन में दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ, बाय परसेंटेज या बाय पिक्सल। परसेंटेज का अर्थ है कि कितने परसेंट मैं उस पिक्चर को बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ और किस तरफ से। दो ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल तरफ से छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ पिक्चर को, या वर्टिकल तरफ से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मान लीजिए इस पिक्चर को मैं 120% करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल साइड से, मैं 120 टाइप कर देता हूँ। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ क्लिक हो रखा है ऑप्शन। इसका अर्थ ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से बराबर ही ये पिक्चर को बड़ा या छोटा करेगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखिए पिक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इस पिक्चर को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मैं फिर से रिसाइज पे, और यहाँ से अब यदि यहाँ पे मैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर दूँ और अब की बार हॉरिजॉन्टल को मैं 50% कर दूँ और ओके कर दूँ तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। हॉरिजॉन्टल वाली साइड से पिक्चर छोटा हो गया है। इस प्रकार मैं रिसाइज कर सकता हूँ पिक्चर को रिसाइज बॉक्स का प्रयोग करते हुए। ये परसेंटेज आधारित चेंजेस थे, परंतु मैं पिक्सल आधारित भी चेंज कर सकता हूँ। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं किसी जॉब के लिए तो आपके पास कई बार पिक्सल्स में फ़ोटो की जानकारी मांगी जाती है। आप उस पिक्चर को इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतनी पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल 50 और वर्टिकल 63। जैसे ही ओके करता हूँ मेरी जो पिक्चर है ये उस पिक्सल साइज की हो जाएगी। तो मैं पिक्सल साइज भी चेंज कर सकता हूँ इस फोटो का। इस प्रकार मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ। मैं दोबारा इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिसाइज पे दोबारा जाते हैं। अब आप नीचे की तरफ यदि देखें तो स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू में आप अपनी पिक्चर को किसी डिग्री पर मोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से। जैसे यहाँ पे मैं 20 फिल कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री ये जो पिक्चर है ये स्क्यू हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल जेड करके फिर से वापस, फिर से रिसाइज। यदि मैं वर्टिकल स्क्यू करना चाहता हूँ 40 डिग्री तो 40 यहाँ मैं फिल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखें मेरा जो पिक्चर है वो 40 डिग्री के एंगल पे स्क्यू हो गया है। इस प्रकार मैं रिसाइज ऑप्शंस के फीचर्स का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जेड करके फिर से पिक्चर को नॉर्मल ऑप्शन में वापस ले आता हूँ। इसी के साथ रोटेट का एक ऑप्शन है। रोटेट में आप अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल पे जो यहाँ दिए गए हैं मोड़ सकते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रोटेट पे क्लिक करता हूँ। रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करते ही पिक्चर जो है 90 डिग्री वाले एंगल पे अवेलेबल हो जाएगी। परंतु यहीं पे 190 डिग्री पे लेफ्ट में करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। रोटेट 180 पे रिवर्स पिक्चर हो गई है। फ्लिप वर्टिकल में पिक्चर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चेंज होती है, जबकि हॉरिजॉन्टली आप देखें तो लेफ्ट और राइट में उस पिक्चर का बदलाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार रोटेट और फ्लिप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को